बीडीई न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। 2019 के वर्ल्ड कप में भारत अभी तक अपराजित था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ भारत को पराजय का सामना करना पड़ा। इस हार से भारत की रैंकिंग पर कुछ असर नहीं पड़ा है, लेकिन अगर भारत बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ हार जाता है तो भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने हमारा चैनल बीडी न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला अभी श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ होना है, और ये दोनों टीमें भारत को अच्छी तरह से समझते हैं। भारत के बॉलरों और बैट्समैन के साथ आईपीएल में खेल चुके हैं, इसलिए ये टीमें भारत को हरा भी सकती है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप के मुकाबले है और वर्ल्ड कप में सभी टीमें देश के लिए खेलती है तो उनमें एक्स्ट्रा जोश होता है। न्यू नर्मदा मोटर्स, फोर व्हीलर के लिए बेस्ट गैरेज, छोटा पुलिया के पास कारधा भंडारा। भारत इंग्लैंड के साथ कैसे हारा, अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो हमें दिखता है कि पहली बात, भारत की धीमी शुरुआत। इस धीमी शुरुआत से भारत के लिए आस्किंग रन रेट बढ़ता ही गया। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारत की पारी संभाली, लेकिन आस्किंग रन रेट बढ़ने से रोक नहीं पाए। इससे टीम पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता गया और इस दबाव में भारत के विकेट अन मौकों पर गिरते गए। साईराम आईटीआई, फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए बेस्ट आईटीआई, पांडे महल के सामने भंडारा। भारत के विकेट गिरने से आस्किंग रन रेट 15 के ऊपर चला गया और धोनी और बाकी प्लेयर में रन चेस करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखी। इस वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा। अब क्या भारत इस गिरे हुए मनोबल से सेमीफाइनल और फाइनल जीत पाएगा? भारत और वर्ल्ड कप के बीच में कमजोर कड़ी कौन है? यह जानने के लिए हमारे चैनल बीडी न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बीडी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।